वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको X3 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको X3, और यहाँ पे मैं ही बात करने वाला हूँ जो कि एलाइट रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे वर्जन देख सकते हो MIUI 12.6, और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 1st of November का। तो यहाँ पे मैं इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लो, जो कि एंट्रोडो बेंच पास को से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंट्रोडो बेंच पास को देखने को मिलेगा, जो कि 2,76,000, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे इसको जो है थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद MI का कैमरा मिल जाता है। बेशक आप यहाँ पे MI के कैमरा से फोटोज यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोज़ क्लिक करने का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है, एक्चुअल में यहाँ पे सभी टाइम नहीं रहता है, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम होने के कारण ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं एक फ़ोटो क्लिक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक फ़ोटो अभी क्लिक किया हूँ, और जो ये फ़ोटो का क्लैरिटी आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे ब्लर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बेशक आप एक अच्छा फ़ोटो ले सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है MI का कैमरा। और यहाँ पे MI के कैमरा में आपको यहाँ पे प्रो मोड और वीडियो जो है आप यहाँ पे 1080 पिक्सल्स, उसके बाद यहाँ पे 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल का भी सपोर्ट मिल जाता है फोटो, उसके बाद पोर्ट्रेट का सपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद मो में जो है नाइट, उसके बाद यहाँ पे 64 मेगापिक्सल्स, ब्लॉग, AI, वाटरमार्क, स्लो मोशन, यहाँ पे सभी आपको मिल जाता है। ड्यूअल वीडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद कैमरा 2 API एनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल्ड करके यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है गूगल कैमरा, जो कि एक लेटेस्ट आपको यहाँ पे गूगल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अंदर यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे जो कि जिग-जिग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका यहाँ पे स्टेबल आपको यहाँ पे गूगल कैमरा देखने को मिल जाता है। नाइट साइड पोर्ट्रेट कैमरा, वीडियो जो है 1080 पिक्सल्स, उसके बाद यहाँ पे 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। स्लो मोशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे जो क्लैरिटी आपको गूगल कैमरा में मिलता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको गूगल कैमरा भी बेशक 100% वर्किंग है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि सभी MI का आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस मिल जाता है, कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे कोई भी चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है, प्योर आपको यहाँ पे ग्लोबल वर्जन देखने को मिल जाता है। प्ले स्टोर मिल जाता है, आप यहाँ पे प्ले स्टोर से कौन सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डुअल 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग कलर सेटिंग मिल जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाता है राउंड दी विंडो, उसके बाद यहाँ पे कलर नोटिफिकेशन आइकॉन, पिक्चर इन पिक्चर मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे डिसेबल ग्लोबल मोड आप यहाँ पे इसको भी अनेबल कर सकते हो, ऑलवेज श्योर नोटिफिकेशन आप अनेबल कर सकते हो, उसके बाद डबल टैप, जो कि डबल टैप मेनू मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे डबल टैप रिसेंट ऐप, रेबे डबल टैप, जो कि यहाँ पे फ़ोन, और उसके बाद यहाँ पे स्वाइप अप का भी आपको जेस्चर्स मिल जाता है। उसके बाद जो है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि क्लॉक चेंज कर सकते हो, उसके बाद आइकॉन डिफ़ॉल्ट फाउंड, उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म आपको यहाँ पे थीम का सपोर्ट मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे आप देख सकते हो सेम फ्यूचर्स है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे डार्क थीम, लाइट थीम, और यहाँ पे रीडिंग मोड, रिफ्रेशमेंट रेट आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज़, उसके बाद 60 हर्ट्ज़ का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे फोन सेटिंग, और यहाँ पे विंड डिवाइस इन VR और डोर रोटेशन, और यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेट नोटिफिकेशन इन कंट्रोल सेंटर, जो कि यहाँ पे आप स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे होम स्क्रीन, फिंगरप्रिंट, और यहाँ पे फेस अनलॉक दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे अलग सा फ्यूचर्स मिल जाता है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन लॉक, उसके बाद यहाँ पे शट डाउन आपको यहाँ पे जो है शट डाउन कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, फाइन डिवाइस, उसके बाद सिम सिक्योरिटी, उसके बाद यहाँ पे MIUI वार्निंग, एमरजेंसी, यहाँ पे फैमिली गार्ड, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है, ब्लॉक लिस्ट, यहाँ पे सिक्योर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में प्राइवेसी प्रोटेक्शन का सपोर्ट मिल जाता है। बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐप्स में यहाँ पे डुअल ऐप, उसके बाद ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है। एडिशनल फीचर्स देख सकते हो, जो कि यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 1 GB आप रैम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डेवलपर्स ऑप्शंस मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम मिल जाता है, स्पेशल फीचर्स, जो कि यहाँ पे स्मार्ट टूल बॉक्स का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट टूल बॉक्स, यहाँ पे ऑलवेज शो भी आप एनेबल कर सकते हो, टैप प्लस,
फ्लोटिंग विंडो, सेकेंड स्पेस, किड स्पेस, MIUI लैब, प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब, लाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, अकाउंट एंड सिंक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सभी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाता है, कोई भी मिसिंग नहीं है, जो कि यहाँ पे आपको सभी आपको सेम मिल जाता है जो MIUI 12.5 में है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात करूँ तो स्मूथ के साथ अल्ट्रा HD के साथ हाई का सपोर्ट मिल जाता है, गायरो यहाँ पे वर्किंग है। तो चलिए गेम प्ले कर लेते हैं।
losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over, and the red team is in the lead. तो देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, विदाउट एनी लैग के आप गेम प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सभी MI का एप्लीकेशन मिल जाता है। बेशक आप यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि MI का कॉलिंग ऐप मिल जाता है। ये रॉम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि यहाँ पे पोको X3 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।